पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय सफाई मजदूर आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने बुधवार को सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में सफाई मजदूरों के हक की बात करते हुए सदस्य मंजू दिलेर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंजू दिलेर ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा है मैला ढोने वाली प्रथा को बिल्कुल समाप्त किया जाए और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार कराए जाएं, जिससे कि वो अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। लेकिन जब पीड़ितों ने अपनी बात आयोग की सदस्य के सामने रखी और लापरवाही की बात बताई तो मंजू दिलेर के तेवर सख्त हो गए और DPRO को कड़ी फटकार खानी पड़ी। मंजू दिलेर ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 में ही होना चाहिए था। जिन जिलों में मैनुअल स्कैनर्स नहीं है उन जिलों में सर्वे नहीं हो रहा है। जिन जिलों में मैनुअल स्कैनर्स आज भी बचा है उन्हीं जिलों में सर्वे के आदेश हुए हैं प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसे मना कर सकते हैं कि मेरे सेनेट इंस्पेक्टर मना कर रहे हैं। मैंने कहा आपके सेनेट इंस्पेक्टर को मैं सर्वे करके देती हूँ। तो बोले नहीं मैडम ऐसी बात नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम करा देते हैं। मैंने कहा कब करा के देंगे? तो उन्होंने मुझे 15 दिन का समय बोला था, एक हफ्ता तो लगभग हो गया है। आज जो मेन विषय था वो मैनुअल स्कैनर्स का था। भारत सरकार ने 2013 में एक मैनुअल स्कैनर्स का सर्वे कराया था जिसमें बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया गया था लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। कुछ को मिल गया था और उसमें भी सर्वे में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आ पाया था, जो एक अमानवीय कृत्य है। आज भी मुरादाबाद जैसे उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में चल रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये दोबारा से मैनुअल स्कैनर्स का सर्वे कराया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार करा रही है, जिसमें जिले पर नोडल ऑफिसर जिलाधिकारी स्वयं हैं और अपने भी यहाँ पे उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी DPRO को बनाया हुआ है। ग्राम और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर पंचायतों में EO और नगर निगम में नगर आयुक्त इसके नोडल ऑफिसर हैं। लेकिन मुरादाबाद की ये शिकायत थी कि यहाँ फॉर्म नहीं भरे जा रहे, जिससे कि जो लोग पात्र हैं और जो लोग ये अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, मैं इसको अमानवीय कृत्य मानती हूँ, जो लोग इसको कर रहे हैं उनका नाम किसी भी योजना के लिए प्रदेश सरकार को नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण मुझे आज यहाँ मीटिंग करनी पड़ी, अधिकारियों से बैठक करनी पड़ी, जिसमें बहुत सारे चीज़ें निकल के आई। मैंने एक हफ्ते पहले नगर आयुक्त को निर्देश दिया था कि आपके नगर में फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो उन्होंने मेरे कहने के बाद मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया कि किसी उनसे पहले के किसी अधिकारी ने 2013 में ये एक एफिडेविट दे दिया था कि यहाँ कोई मैनुअल स्कैनर्स नहीं है। मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता है। आज आप काम कर रहे हैं, आप अपने स्तर से देखिए, अगर नहीं था तो फिर सरकार ने इस मुरादाबाद को उसमें क्यों 45 जिलों में रखा है? इसका मतलब यहाँ आज भी मैनुअल स्कैनर्स का काम हो रहा है। तो अब करीब 850 फॉर्म आए हैं जिसमें से कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया है अपात्र बताकर। उसके लिए भी मैंने निर्देश जारी किया है कि उनको भी जाँच करके अगर वो पात्र हैं तो उनका भी नाम भेजा जाए। जिस तरीके से दोबारा से एक बार फिर एक जांच बैठी है और एक तरीके से दोबारा फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही माने? लापरवाही तो रही है, जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है उनके लिए मैं जरूर लिखकर भेजूंगी उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और केंद्र सरकार को। इसके साथ ही एक प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मुद्दा उठा था जिसमें सीधे तौर पर देखें तो अधिकारियों की क्या लापरवाही सामने आ रही है? नहीं नहीं, उसमें लापरवाही सामने नहीं आई है। उसमें एक विषय आया है कि कहीं ना कहीं उनके पास तक कैंप के माध्यम से या कैसे भी जैसा हम चाहते हैं सूचना नहीं पहुंच पाई है। कोशिश तो उन लोगों ने की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लाभ मिले, लेकिन उन तक सूचना नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको एक पंपलेट के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाए। उनके घरों में अगर नहीं मिलते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन भर घर में नहीं रहते हैं, तो उनके घरों में डाल दिया जाए ताकि उन योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। क्या कहें सीधे तौर पर कि अभी भी अधिकारी हो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फंड नहीं पहुंच पाए, जानकारी नहीं पहुंच पाई, तो आपने एक शब्द यूज किया था कि फ्लॉप रही है? नहीं, हमारी योजना सरकार की योजना फ्लॉप नहीं है। अधिकारी, जिस अधिकारी की मंशा है कि वो हमारी योजना को फ्लॉप करेगा उस अधिकारी को हम लोग फ्लॉप करा देंगे। इतनी क्षमता सरकार में हमारे नेतागणों में है। हमारी योजनाएं जनरल पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक के लिए बनी है, उनको देनी पड़ेंगी। अगर इसमें किसी अधिकारी की मंशा खराब है तो उसको दुरुस्त कराया जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। कहें कि इस बैठक के बाद में कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी को प्रकाश गिरने वाली? नहीं, गाज तो हम नहीं गिराना चाहते। हमारी सरकार का नियम है कि
अगर कोई खराब है तो उसको ठीक करो और उससे काम कराओ।